लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में सोमवार शाम को एक स्कूल बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 29 बच्चों समेत 32 की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी है। बस स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश देश के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ की वादियाँ कई विदेशी टूरिस्ट को इतनी पसंद आती हैं कि कई लोगों ने यहीं बस गए। हिमाचल की खूबसूरती को देखने के लिए कई बार जान जोखिम में भी डालना पड़ता है। इसकी वजह यहाँ की सड़कें हैं। हजारों फीट ऊंचाई पर बनी हिमाचल की सड़कों पर ड्राइविंग करना आसान नहीं होता है। यहाँ एक चूक से हमेशा जान जाने का खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति जिलों में पहाड़ काटकर सड़कें बनाई गई है। इन सड़कों पर थोड़ी सी चूक होने पर गाड़ियां हजारों फीट खाई में गिर जाती है। इसके बाद जान बचने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी यहां की सड़कों पर एक गलती कई लोगों की मौत की वजह बन सकती है। यही कारण है कि ऊंची घाटियों में चलने वाली गाड़ियों में बैठे बाहरी लोगों के जेहन में हमेशा एक डर समाया रहता है। इन रास्तों पर यहाँ के लोकल ड्राइवरों को ही गाड़ियाँ चलाने की परमिशन दी जाती है। विदेशी टूरिस्टों के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोगों की प्राइवेट गाड़ियों को भी यहां के लोग ही ड्राइव करते हैं। हिमाचल की स्टेट बस जिस रास्तों से होकर गुजरती है उनमें सवार बाहरी लोग ड्राइवरों के हौसले की तारीफ करते हैं।